नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में शुक्रवार को अपने वार्षिक निरीक्षण के दौरान इंदौर रेंज आईजी हरिनारायण चौरी मिश्र डीआरपी लाइन पहुंचे, जहां आईजी दरबार में अपने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याएं सुनी। आईजी ने अपने निरीक्षण की शुरुआत डीआरपी लाइन में पहुंचकर की। इस वार्षिक निरीक्षण के दौरान डीआईजी, तीनों एसपी, एएसपी, सभी थाना प्रभारी शामिल हुए। इंदौर संभाग के आईजी हरिनारायण चौरी मिश्र ने शुक्रवार को वार्षिक निरीक्षण के लिए पुलिस डीआरपी लाइन का निरीक्षण किया। इंदौर रेंज आईजी ने वार्षिक निरीक्षण के अंतर्गत सभी शासकीय वाहनों को भी चेक किया। निरीक्षण के दौरान लापरवाही के चलते जहां कुछ पुलिस कर्मियों को फटकार लगाई, तो वहीं अच्छा कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया गया। आईजी हरिनारायण चौरी मिश्र का आईजी बनने के बाद ये पहला उनका निरीक्षण है, जहां हर वर्ष की तरह आईजी ने निरीक्षण किया। पुलिस की समस्या प्रक्रिया वाले का तो समझ में नहीं आता। इस दौरान पुलिस कर्मियों परेड शहीद डीआरपी लाइन में अत्यधिक संसाधनों का निरीक्षण किया जाता है। वहीं बेसिक पुलिस सिंह के दौरान आंदोलनकारियों से निपटने को लेकर बलवा प्रयास किया गया, जहां से अगर आंसू गैस के गोले सहित बलवा प्रदर्शन करने वालों को खदेड़ते पुलिसकर्मी कितने कारगर हैं, इसका अभ्यास भी किया गया। डीआईजी दरबार के दौरान पुलिस ने अपनी बेसिक समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी, तो कुछ अलग समस्याओं को लेकर आईजी के सामने अपनी बात रखी। आईजी ने अपने अधिकारियों को संबोधित, कोविड संक्रमण का भी दौर है, जहां अपराधियों के साथ जनता को अदृश्य संक्रमण वायरस से भी बचना है। इंदौर का वार्षिक निरीक्षण था। वार्षिक निरीक्षण सामान्य तौर पर पुलिस के एक आत्मनिरीक्षण के साथ साथ एक आत्मावलोकन का समय होता है, जिसे मुख्य तौर पर परेड, सामान्य अलग अलग ड्रिल जो कि कानून व्यवस्था में उपयोगी होते हैं, और साथ ही साथ एक जवानों के साथ साथ एक जीवन संवाद होता है, जिसमें उनकी जो स्थानीय समस्याएँ होती हैं उस पर भी बातचीत की जाती है। उस कड़ी में आज सभी अधिकारी, जिले के लगभग हर थाना प्रभारी, सारे लगभग राजपत्रित अधिकारी सभी आए हुए हैं। लगातार ये निरीक्षण चल रहा है। इस पूरे दौर में आगे थानों का निरीक्षण, पुलिस लाइन का निरीक्षण, कार्यालय का निरीक्षण, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ये पुलिस के एक आत्मनिरीक्षण की एक आंतरिक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत अपनी कार्य व्यवस्था को और बेहतर और चुस्त बनाने में मैंने की कवायद की जाती है। सर, किसी को किसी तरह का पनिशमेंट, कहीं गलतियां? हाँ, इसमें पूरे में कुछ लोगों को सजा भी दी गई है, कुछ लोगों को पुरस्कृत भी किया गया है, कुछ लोगों ने बेहतर परेड दिखाया है, कुछ छोटी मोटी लापरवाहियाँ भी दिखी हैं। उन सारे उनों को लेकर के जो अच्छा कार्य किए हैं, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने बेहतर ढंग से, अनुशासित ढंग से परेड का आज प्रदर्शन किया है, उन्हें निश्चित तौर पर पुरस्कृत भी किया जा रहा है। तो यह एक ऐसा समय होता है, जो अच्छे लोग हों, जो मेहनती हैं, जो अनुशासित हैं, उन्हें पुरस्कृत और प्रोत्साहित किया जाए, और जिन लोगों ने कहीं लापरवाही दिखाई है उन्हें सजा भी दी जाए। हाँ, उसमें कुछ जगहों पे उसमें लापरवाही दिखी, उसमें उन्हें सजा भी दी जाएगी। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर।